हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जी आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि जी आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और आप भूल गए हैं, और आप जानना चाहते हैं कि जी आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल लिंक कराया है और आपको मालूम नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चेक करना है। दोस्तों, पहले जो आधार कार्ड का जो वेबसाइट से चेक करते थे, अब वहाँ से ऑप्शन हटा दिया गया है, वहाँ से अब चेक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक नया ट्रिक अपनाना पड़ेगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। और चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए मैं गूगल को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष्मान कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड, इसको यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद नीचे दो नंबर पर आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड का, इसको आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देना है। और ऊपर में आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्कीम पर आपको क्लिक कर देना है, और ऊपर PMJAY पर आपको क्लिक कर देना है, और नीचे अपना स्टेट चुन लेना है। तो चलिए मैं बिहार से हूँ तो मैं अपना बिहार इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद नीचे अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट इसमें अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डाल देने के बाद में इसमें आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ OTP पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, OTP डालने से पहले आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका 4 अंक यहाँ पर दिखाई दे देगा। इसी प्रकार से आप अपना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसका जानकारी निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें।